केंद्रित हमारा खास प्रोग्राम टोटल हेल्थ। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं निखिल सिंह। देश भर में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये प्रयास है जिससे नेत्रदान के विषय में जागरूकता बढ़े, अधिक से अधिक लोग सामने आए और नेत्रदान करें। बिल्कुल, और ये आंखें आपकी बहुत अनमोल देन है ईश्वर की, और इस खूबसूरत दुनिया को इन आंखों के जरिए आप देखते हैं। लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करिए कि जो लोग दृष्टिहीन हैं वो आपके एक नेत्रदान के जरिए वो भी इस दुनिया को देख सकें, इस खूबसूरती को से वो रूबरू हो सकें। तो आइए, नेत्रदान कैसे करें इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को आज हम आपसे दूर करेंगे और तमाम सारे विशेषज्ञों से बात कराएंगे, जानेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है अगर आप नेत्रदान करना चाहते हैं। क्योंकि वैसे तो दृष्टिहीनता कई कारणों से हो सकती है, लेकिन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी कॉर्निया में किसी क्षति या विकृति की वजह से दृष्टिहीनता जो है एक बड़ा कारण है दृष्टिहीनता का। भारत के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो भारत में लगभग 11 लाख लोग कॉर्निया में क्षति या विकृति की वजह से दृष्टिहीन हैं। ये वो लोग हैं जिनके जीवन में जो अंधकार है उसे दूर किया जा सकता है, उनके जीवन की रोशनी को लौटाया जा सकता है, जो इस इंतजार में हैं कि उन्हें कॉर्निया मिले और उनका जीवन रोशन हो पाए। ये रिपोर्ट देखकर समझते हैं कि दरअसल किस तरह से नेत्रदान की प्रक्रिया की जा सकती है और कौन से वो कारण हैं जो कॉर्निया को प्रभावित कर दृष्टिहीनता पैदा कर सकते हैं। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनका जीवन अंधकार में है, जो दृष्टिहीनता से प्रभावित हैं, लेकिन उनमें से काफी ऐसे लोग हैं जिनके जीवन को रोशन किया जा सकता है क्योंकि वो कॉर्निया प्रभावित होने के कारण देखने में अक्षम है। दृष्टिहीनता के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से एक है कॉर्निया में आई खराबी जिसकी वजह से दृष्टि प्रभावित होती है। ये कई वजहों से हो सकता है। कॉर्निया के खराब होने से हुई दृष्टिहीनता को ठीक किया जा सकता है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब कोई नेत्रदान करे और दृष्टिहीन व्यक्ति को कॉर्निया मिल पाए। हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सभी को नेत्रदान के लिए प्रेरित करना। लेकिन दरअसल कॉर्नियल दृष्टिहीनता है क्या? कॉर्निया हमारी आंख में पारदर्शी परत है जिससे होकर बाहर से आता हुआ प्रकाश आंख के अंदर जाता है और वस्तु का प्रतिबिंब आंख के पर्दे पर बनता है। कॉर्निया में चोट या किसी बीमारी के कारण यदि कॉर्निया को क्षति हो तो इसकी वजह से दृष्टिहीनता हो सकती है, जिसे प्रत्यारोपण द्वारा ठीक किया जा सकता है। प्रत्यारोपण में आंख में से क्षतिग्रस्त या खराब कॉर्निया को निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर एक स्वस्थ कॉर्निया प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है उसे अपना पंजीकरण करवा लेना चाहिए। व्यक्ति द्वारा प्रतिज्ञा पत्र भरने के बाद पंजीकरण पूरा होने पर उसकी मृत्यु के बाद उसकी आंखें दान की जाती है। यदि मृत व्यक्ति ने पंजीकरण नहीं करवाया है तो आकस्मिक मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्य या कोई निकट संबंधी आई बैंक को जानकारी देकर नेत्रदान की पूरी प्रक्रिया कर सकता है। नेत्रदान की प्रक्रिया बेहद सरल है और इसमें अधिक समय नहीं लगता। आवश्यक है कि हम सभी नेत्रदान के विषय में जागरूक हों, जानें कि नेत्रदान की प्रक्रिया कैसे की जा सकती है, अपने नेत्र को दान करने के लिए प्रतिज्ञा लें और नेत्रदान कर किसी के अंधेरे जीवन को रोशन करें। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। तो नेत्रदान से जुड़े सभी भ्रम दूर करने के लिए, इसके विषय में जानकारी बढ़ाने के लिए और ये जानने के लिए कि किस तरह से सरलता से इस प्रक्रिया को किया जा सकता है, आज यहाँ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। तो आइए उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर विजय शर्मा, कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव सर्जन फ्रॉम आर्मी हॉस्पिटल RNR। स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ऋतु अरोड़ा,
डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी फ्रॉम गुरु नानक आई सेंटर एंड वी हैव विद अस डॉक्टर सुदर्शन खोखर. He is Professor and Unit Head, Department of Ophthalmology from RP Center, All India Institute of Medical Sciences. अपने तमाम विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं और ये जो कार्यक्रम है आज का जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉर्निया में होने वाली दृष्टिहीनता और नेत्रदान की, सभी के लिए आवश्यक हो जाता है कि इस पूरे कार्यक्रम को देखें और जानकारी हासिल करें और प्रेरित हों कि हम सभी को नेत्रदान करना है. तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं दृष्टिहीनता के कारण और उसका कॉर्नियल प्रत्यारोपण द्वारा इलाज कैसे किया जा सकता है इस विषय के बारे में. डॉक्टर खोखर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की बात होती है और आई डोनेशन की बात होती है, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जानकारी हो कि अगर किसी की दृष्टि ठीक है तो उसे बचाया जा सकता है और अगर किसी को समस्या है कॉर्निया की वजह से दृष्टिहीनता है तो उसे ठीक भी किया जा सकता है. आई थिंक बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम मैं एक थोड़ा मिथ दूर करना चाहता हूँ. अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे की आँख खराब है, मेरी आँख लेके आँख बदल दीजिए. दो बड़ी चीज़ें हैं कि एक तो मृत व्यक्ति की ही आँख डोनेट की जाती है, लाइव लिविंग पर्सन कैन नॉट डोनेट द आईज, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग. बिकॉज ये जब भी पेशेंट आते हैं स्पेशली बच्चों की तरफ भावुक होके वो कहता है कि हमारी आँख निकाल लीजिए, तो जीवित व्यक्ति की आंख नहीं निकाल जाती, और एक या दो कोई भी आंख. आप कह रहे हैं इसमें बहुत से ऐसे लोग जो अपनी आईज डोनेट करना चाहते हैं उनको ये डर भी होता है कि अगर हमने पेशेंट की आईज डोनेट करी है और वो हॉस्पिटलाइज है तो शायद आईज मिल जाएंगी या कॉर्निया मिलेगा, इसलिए डॉक्टर्स उन पर ध्यान नहीं देंगे. जी, मैं उस पर आ रहा हूँ अभी. सो दूसरा है कि पूरी आंख कभी ट्रांसप्लांट नहीं होती है. ये सिर्फ जैसे मेरी घड़ी पहनी है, जो घड़ी का शीशा है मेरा ये आगे का, वही सिर्फ चेंज होता है, वो जिसको कॉर्निया कहते हैं. सिर्फ कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट होता है आंख का. और जाहिर बात है अगर हमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना है हमें देखना है कि घड़ी की मशीन चल रही है या नहीं. अगर घड़ी की मशीन खराब है, पीछे ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम है या पीछे रेटना में प्रॉब्लम है और कॉर्निया भी खराब है, सो इन केसेस में रोशनी पूरी नहीं आ सकती है. किंतु अगर हम पूरी जांच करके देखें कि पर्दा और नस बिल्कुल ठीक है और सिर्फ कॉर्निया की ब्लाइंडनेस है जिसके कई कारण है विच हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो उन केसेस में हम सिर्फ कॉर्निया को चेंज करके इन पेशेंट्स को विजन दे सकते हैं. जी, सबसे बड़ी बात यह है, ये समझने की जरूरत है कि जो ट्रीटेबल नेत्रहीनता है जिसको कहते हैं, जिनका इलाज हो सकता है, वो कौन से है. डॉक्टर रितु अरोरा, आपसे समझने की कोशिश करेंगे ये इस अंतर को पहले समझ लें कि कौन लोग नेत्रदान किनके लिए किया जा सकता है और कौन से ऐसी स्थिति है जहाँ पे नेत्रदान नहीं हो सकता. देखिए, नेत्रदान से जो जिन लोगों को फायदा होता है, जैसे डॉक्टर खोखर ने बोला, ये सिर्फ वैसे मरीज हैं जिनको कि कॉर्निया की प्रॉब्लम है. और क्योंकि इसमें सिर्फ जैसे कॉर्निया है, जैसे शीशे की जैसी चीज है, अगर किसी व्यक्ति का कॉर्निया खराब है किसी भी वजह से, चाहे अगर चोट लग गई हो या फिर कोई डिसऑर्डर्स होते हैं, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, या फिर ऑपरेशन से अगर आंख का कॉर्निया खराब हो गया हो, तो वही व्यक्ति सिर्फ कॉर्निया के प्रत्यारोपण या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से उनको बेनिफिट मिल सकता है. जी, डॉक्टर शर्मा, कौन से ऐसे लोग हैं जो चाहें अगर नेत्रदान करना तो उनके मन में बहुत से भ्रम जरूर आ जाते हैं, क्या मैं एक फिट कैंडिडेट हूँ नेत्रदान करने के लिए. आपसे यहाँ ये जान लें कि कौन है व्यक्ति जो नेत्रदान करना चाहता है और वो कर सकता है और किस तरह से उसके लिए आगे बढ़ा जाए. देखिए, जो कोई भी व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, सेक्स और एनी अदर इश्यूज, कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है. नेत्रदान की अपना जब वो जीवित होता है तो उसकी प्लेज कर सकता है और अपने जो उनके नियर एंड डियर वंस हैं उनको वो प्राइम करके जब उनकी किसी की भी आकस्मिक मृत्यु होती है तो वो उस किसी भी व्यक्ति का, किसी भी उम्र का, किसी भी लिंग का, लिंग में ये नेत्रदान किया जा सकता है. इसके लिए ऐसे कोई ऐसी ये नहीं है कि कोई रूल्स नहीं है कि वो नेत्रदान नहीं कर सकता है. हालांकि हमारी कुछ ऐसी जो डॉक्टर्स आई डोनेशन के लिए कॉर्नियास को रिट्रीव करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है कि हम किस कॉर्निया को यूज कर सकते हैं, उनकी इवैल्यूएशन करते हैं. इवैल्यूएशन करके हम ये डिटर्मिन करते हैं कि इस कॉर्निया को किसी दूसरे में प्रत्यारोपित करके उससे फायदा होगा या कोई और कोई डिजीजेस ट्रांसमिशन का खतरा नहीं होगा. उस हिसाब से फिर जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जन है वो इवैल्यूएशन के बाद ये निश्चित करते
करते हैं कि कौन सी कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, बट कोई भी जो चाहे वो नेत्रदान कर सकता है। आपकी बात को डॉक्टर शर्मा आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर सुदर्शन के पास चलते हैं। डॉक्टर सुदर्शन, कुछ क्या ऐसे लोग भी हैं उस श्रेणी में जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसे रोग से पीड़ित, क्योंकि इसको लेकर के बड़ी भ्रांति है, कुछ लोग लगता है कि अगर कैंसर है तो नहीं हो सकता, हाई ब्लड प्रेशर है तो नहीं हो सकता, तो क्या कुछ ऐसी भी श्रेणी है जिनमें लोग नहीं कर सकते नेत्रदान? देखिए, अगर नेत्रदान हम कॉर्निया यूज करते हैं, जिसका कॉर्निया हेल्दी है दैट्स द बेस्ट। अगर आपको पता है कॉर्निया उनका ऑलरेडी खराब है जी, उनका भी कैटरैक्ट हो रखा है या उसके अंदर कुछ और बीमारी हो चुकी है या अल्सर हो चुका है या ओपेसिटीज है, तो वो कॉर्निया हम फिर भी हम कॉर्निया निकालते हैं पेशेंट का, तो सो दैट द सोसाइटी स्टेज सेंसिटाइज कि आपने डोनेट किया है और आपकी बात मानी गई है। उन कॉर्निया को हम लोग आजकल हम लेमिलर सर्जरी करते हैं। पहले होता था हम पूरा कॉर्निया पूरा का पूरा शीशा निकाल के पूरा शीशा बदल देते थे, अब हम उस कॉर्निया को 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके उसके लिम्बल सेल निकाल सकते हैं, उसका एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट अलग करके हम एक कॉर्निया से 3 व्यक्तियों का भला कर सकते हैं। जी डॉक्टर ऋतु, कारणों का आपने जिक्र किया था कि किन कारणों की वजह से कॉर्निया प्रभावित हो सकता है। अगर व्यक्ति का कॉर्निया प्रभावित हो रहा है तो क्या एक स्थिति होगी जिसमें अचानक से रोशनी चली जाएगी, या फिर ऐसा भी संभव होगा कि धीरे धीरे असर होना शुरू किया और धीरे धीरे रोशनी कम होगी? देखिए, ऐसा है कि कॉर्निया के इन्फेक्शन में अगर तो इनहेरिटेड या जैसी फैमिलीज में चली हुई बीमारी होती है उनमें तो नज़र धीरे धीरे कम होती है, और अगर चोट लगा जैसे हम दिवाली और दशहरा में कहते हैं लोग तीर कमान चलाते हैं या पटाखे से जो चोट लगती है तो उससे तो एकदम से नजर चली जाती है। कभी कभी आंख में इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें कॉर्नियल अल्सर होता है तो उसमें भी नजर कम हो जाती है, वो अल्टीमेटली एक वाइट कॉर्निया के ऊपर धब्बा सा आप समझते हैं। जो हमारे को ज्यादा हमारे देश में देखा गया जो बच्चों में मैल न्यूट्रिशन होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है जिसमें खाना ठीक से ना पूरित होने के कारण उसके कारण भी कॉर्निया अफेक्ट हो जाता है, और दूसरी बात उसमें भी नज़र खत्म हो जाती है। दूसरी बात है अगर किसी की ऑपरेशन से नज़र ऑपरेशन के बाद दौरान अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसमें नज़र व्यक्ति की रिट्रीव नहीं होती है। ऑपरेशन हो गया, कराने गए थे कैटरेक्ट पर, उसके बाद नज़र उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी तो उसमें भी नज़र कम हो जाती है। तो इन कारणों की वजह से जब भी कॉर्निया पे कुछ भी असर पड़ता है तो वो व्यक्ति जब हमारे पास आता है उसका इवैल्यूएशन होता है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसको कॉर्निया की सर्जरी जल्दी करनी है या लेट करनी है, क्या करना है। मैं उसमें डॉक्टर खोखर से आपने जो सवाल पूछा उसमें पूछना चाहूँ ऐड करना चाहूंगी कि कौन से व्यक्ति डोनेट कर सकते हैं या नहीं डोनेट कर सकते। जैसे आपने बोला कि जो लोग सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर है या कई लोग शुगर की बीमारी है तो वो लोग भी आंख दान कर सकते हैं जी। एक सिर्फ जिसमें कि आंख दान जिसमें हम प्रेफर नहीं करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु HIV से हुई हो या किसी की हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन से हुई हो तो वो व्यक्तियों का हम कॉर्निया नहीं ले सकते हैं। या फिर कोई ऐसे कैंसर जैसे होते हैं जिसमें कि ब्लड कैंसर्स होते हैं और या फिर हेड एंड नेक के कैंसर्स होते हैं, क्योंकि जिसमें ये किसी भी वजह से अगर हमें ऐसा लगता हो कि हम ये बीमारी अगर रिसिपिएंट को दे देंगे तो उन व्यक्तियों का कॉर्निया हम नहीं प्रेफर करते हैं। बाकी हर व्यक्ति का कॉर्निया हम ले सकते हैं और इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर सुदर्शन भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? इन केसेस में भी हम आई डोनेशन का आई ले लेते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंटल यूज करते हैं। कोई शख्स सीखना चाहता है कॉर्निया ट्रांसप्लांट तो हम गोट्स आई में इन कॉर्निया को लगा के उनको सूचरिंग या उनको टेक्निक सिखा सकते हैं, किंतु अगर हम आई लेने जाएं और आई नहीं लें तो एक गलत मैसेज आता है। सो सब हमें पब्लिक को सेंसिटाइज करना है कि हर तरह की आंख हम लेंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि लाइक पिछले साल आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने करीब 56,000 कॉर्नियास रिट्रीव किए पर करीब 28,000 ही कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो पाए, बाकी एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए हुए हैं। सो अबाउट 50-60% इज द ओनली थिंग वी कैन यूज फॉर एक्चुअल आई ट्रांसप्लांट, रेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल। But still, even if the patient has HIV or all these things, with precautions, we don't transplant these cornea to the human eyes, but we can use for the experimental work. तो नेत्रदान सभी को करना चाहिए, उसको किस तरह से प्रयोग करना है वो विशेषज्ञ तय कर लेंगे। डॉक्टर शर्मा, इसी बात पे एक चीज और आगे बढ़ा के पूछना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि 56,000 कॉर्निया रिट्रीव किए, 28,000 इस्तेमाल किए, कितना महत्व आप इसका समझते कि ये जो पूरे आंकड़े हैं अगर सचमुच में जागरूकता आए और आई डोनेशन होने लगे तो कितना कितना फर्क डालेगा ओवरऑल इन आंकड़ों? ये मैं लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, 17-18 का सेंसस, उससे पहले अबाउट 40% से, सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग। और क्योंकि मैंने जैसे बताया अब लेमिलर सर्जरी शुरू हो गई है
सो अगर कॉर्निया बहुत हेल्दी नहीं भी है तो हम भी कुछ परत निकाल के हम उन पेशेंट में यूज कर सकते हैं जिनमें कुछ लेयर निकालनी है, पूरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट ना करके। अगर मेरा कहने का मतलब, अगर कॉर्निया का एंडोथीलियम पीछे वाला पार्ट खराब है, जैसे डॉक्टर रितु ने बताया जिनका कैटरेक्ट सर्जरी हुई और एंडोथीलियम डैमेज हो गया है, उसमें सिर्फ पीछे की झिल्ली चेंज कर सकते हैं जिसको हम डीसेक या डीमैक करते हैं। सो वो आजकल जो पद्धति चालू हो गई है उसके कारण आई थिंक बहुत ज्यादा जागरूकता हो गई है और हर तरह के कॉर्निया हम यूज कर सकते हैं। ये जो एडवांसमेंट है, ये जो नई तकनीकें हैं डॉक्टर शर्मा, इसके हिसाब से किस तरह से कॉर्निया को लिया जाता है और कितने समय तक उसको प्रिजर्वेशन में रखा जा सकता है, यानी कितना समय होगा एक बार नेत्र मिल जाता है और ट्रांसप्लांट करने के बीच, क्या उसकी ड्यूरेशन भी बड़ी है? जी, जो टेक्निक्स जिस हिसाब से हम आई डोनेशन करते हैं उसमें भी बदलाव आया है और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें भी बदलाव आया है। पहले जो आई डोनेशन करते हैं उसमें पहले हम पूरा आई बॉल को निकालते थे, लेकिन अब हम सिर्फ जो कॉर्निया जो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर वाला हिस्सा है सिर्फ उसको निकाल कर उसकी जगह एक उसी की तरह का एक प्रोस्थेसिस रख देते हैं। सो ये एक तो टेक्निक फास्टर है, दूसरा जो पेशेंट जो डिजीज्ड है उनके जो रिलेटिव्स है उनके मन में एक भावना रहती है कि शरीर का डिसफिगरमेंट हो जाएगा, तो वो डिसफिगरमेंट नहीं होता है, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो तरीकों में चेंज आया है आई डोनेशन के। उसके बाद जो आईज हम लेते हैं उसका जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें बहुत बदलाव आया है, जैसे डॉक्टर खोकर और डॉक्टर रितु ने अभी बताया कि लैमिलर कॉर्नियल सर्जरीज, अब जो कॉर्निया की कई सारी लेयर्स होती है, 5 से 6 लेयर्स होती हैं, तो जो लेयर अफेक्टेड है हम उसी को निकाल के सिर्फ उसी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और ऐसे हम एक कॉर्निया को 2 से 3 लोगों में भी यूज कर सकते हैं। कॉर्नियाज की कमी इतनी है, जैसा सर ने बताया कि 28,000 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं, लेकिन हर साल भारतवर्ष में 20,000 से 30,000 नए कॉर्नियल ब्लाइंड लोग इसमें ऐड हो जाते हैं, जो ऑलरेडी 11 लाख लोग हैं। सो जितने हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो लगभग उसी के लिए संभव है कि जितने लोग हर साल ऐड हो रहे हैं। सो इसलिए हमें इसमें अवेयरनेस और अवेयरनेस के साथ साथ मोटिवेशन वो लोगों में करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सुदर्शन, ये जो बात सामने आई कि मोटिवेशन भी होना चाहिए और अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जब किसी व्यक्ति को इस स्थिति में वो पहुंचता है कि मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य नहीं रहा, कितना मुश्किल आपको लगता है एक इमोशनल लेवल पर, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, सैडनेस भी है, उन सभी फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करना कि भाई अब आपको आई डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए, कैसे इस स्थिति को टैकल करना चाहिए? सी, मेरा ये मानना है डेथ इज अल्टीमेट ट्रुथ, सभी को मरना है एक दिन, तो अगर आप चाहते हैं कि आप मरने के बाद भी आपकी आंख जिंदा रहें तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। आई गिव यू एन एग्जांपल, हम लोगों ने हॉस्पिटल में हॉस्पिटल रिट्रीवल कॉर्नियल प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें ऑल दिस प्लेसेस जहाँ न्यूरोसर्जरी ट्रॉमा सेंटर जहाँ पर डेथ की चांसेस ज़्यादा होती हैं, सो जैसे ही कोई हॉस्पिटल में डेथ होती है हमें इमीडिएटली आई बैंक में कॉल आ जाता है एंड आर वर्कर फ्रॉम देयर गोज एंड टॉक टू वी हैव द काउंसलर्स देयर, दे गो एंड एक्सप्लेन देम लाइक now the death has happened and because the time is too short immediately we get the phone call, so we can go and talk to the, those people and we have realized that hamare hospital mein RP center mein AIIMS mein retrieval badh gaya hai pehle se because of this. Dusra ye hai ki for example Singapore mein agar koi hospital death hoti hai to it's a right of the hospital. Main to chahta hu ki aisa law ho, agar kisi ne donate kar di hai eyes wo state property ho jani chahiye. Na hota kya hai ki jisne donate ki aankh us bichare ki mrityu ho gayi, ab next to kin will have to decide. छोटे भाई ने अगर कर दी तो बड़ा भाई हो सकता है कि आपने क्यों कर दी ये चीज़, देयर कुड बी अ फाइट। सो मेरा ये मानना है कि एक लॉ होना चाहिए कि अगर आपने अपने विश कर दिया है, प्लेज कर दिया है आपके मरने के बाद, द स्टेट शुड टेक ओवर, इट शुड बी ऑनर्ड। उसके बाद हमें दोबारा जाके उनको बोलना पड़ता है, वो दोबारा साइन कर सकते हैं। सो जागरूकता है, सी दुख का माहौल होता है जहाँ डेथ होती है, पर अगर एक भी व्यक्ति उसमें से उठ के एक फ़ोन कर देता है जो हमारा फ्री टोल लाइन है 1919, तो हमें इतला मिलती है, वी कैन गो एंड टॉक टू दोज पीपल एंड वी कैन गेट डन। जरूरी नहीं कि आपने प्लेज किए हुए तभी हम आंख ले सकते हैं, आप प्लेज नहीं भी किए आंख, अगर आप फोन करते हैं आई बैंक को तो हमारे काउंसलर हमारे जो टेक्नीशियन स्टाफ आके आंख ले सकते हैं। ये जागरूकता इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है आपकी फैमिली में ही कल किसी को कॉर्नियल प्रॉब्लम हो या ब्लाइंडनेस हो और आपको आई की जरूरत पड़े और आई नहीं मिलेगी। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, श्रीलंका से आईज आती है, वहाँ आईज सरप्लस है, बुद्धिस्ट है वहाँ लोग, आईज सरप्लस है। हमारे यहाँ आई थिंक हमें रिलीजियस लेवल पे, हमें साइंटिफिक लेवल, हर लेवल पे और एजुकेशन लेवल पे लोगों को ये बताना चाहिए कि आई डोनेशन से नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही है। द कमिंग जनरेशन, अगर चाइल्डहुड में किसी को ब्लाइंडनेस होती है आप उनको कॉर्निया देते हैं तो वो 70-80 साल तक देख सकते हैं, तो आपके देश की उत्पत्ति हर चीज़ में आपको फायदा होता है। सो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है
और ये मानना कि अगले जन्म में आप अंधे पैदा होंगे या ऑल दिस मिथ्स दे आर जस्ट उसका कोई इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई ट्रुथ नहीं है. आई थिंक हमें जितनी ज्यादा डोनेशन दें उतना ज्यादा अच्छा है. जी जी बिल्कुल. और हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र पांडे बिहार से कॉल कर रहे हैं. जी धर्मेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए. सर मेरा सवाल था कि हम कॉर्निया ग्राफ्टिंग कराए थे शंकर नेत्रालय चेन्नई में 92 में. जी तो वो कॉर्निया ग्राफ्टिंग 2013 में वो जाकर के कॉर्निया ग्राफ्टिंग फेल हो गया. डॉक्टर रितु, इनका जो सवाल है कि 92 में इन्होंने कॉर्नियल ग्राफ्टिंग करवाया था और अब 2013 में शायद जो है वो रिजेक्ट हो गया या फेल हो गया, इन्होंने कहा. देखिए ऐसा होता है, हम पहले जब तक थे कि कॉर्निया में सर्वाइवल हम 5 साल के हिसाब से जानते थे, क्योंकि कॉर्निया के अंदर जैसे बोला गया कि सबसे अंदर की परत इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो कई बार कितनी देर तक रह सकती है उसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं. बट हमारे लिए ओवरऑल अगर एक कॉर्निया 5 साल सर्वाइव कर जाता है तो हम उसको सक्सेस मानते हैं. तो इनका तो काफी देर तक 21 साल तक इनका सर्वाइव करा. अब उसके बाद अगर ये फेल हुआ तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर जो अंदर की जो परत है एंडोथेलियल लेयर वो कई बार वीक हो जाती है, या फिर कभी कभी बॉडी पहचान लेती है कि ये दूसरे आदमी का कॉर्निया लगा और उसको रिजेक्ट कर देती है. पर अगर ऐसी सिचुएशन भी आती है तो हम फिर भी जाके उसको रीग्राफ्ट कर देते हैं. हम उसमें कभी कभी पूरा कॉर्निया चेंज करते हैं या अंदर की परत को जाके आजकल चेंज कर देते हैं और फिर से सक्सेस मिल जाता है. तो ऐसी कोई वो बात नहीं रहती है. जी चलिए, उम्मीद है कि सवाल का जवाब मिल गया होगा. हमें ये बताना चाहता हूँ कि ट्रांसप्लांटेशन बॉडी में कई जगह होते हैं, बस हर जगह ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, खून की नलियाँ, खून जो शरीर में चल रहा है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है, किंतु कॉर्निया ऐसी चीज़ है जिसमें ब्लड वेसल्स अंदर नहीं आती हैं. किंतु जितना बड़ा ग्राफ्ट लेंगे कॉर्निया की पेरिफेरी जो बाहर का हिस्सा है वहाँ ब्लड वेसल्स पहुँचती हैं, तो अगर हम छोटा ग्राफ्ट बीच का लेते हैं तो ब्लड वेसल्स वहाँ नहीं होती, एवास्कुलर मानते हैं इसको. जहाँ हम किडनी ट्रांसप्लांट ले लें या लिवर ट्रांसप्लांट ले लें वहाँ तो इतना ब्लड होता है कि उसमें आपको लाइफ लॉन्ग के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स देनी पड़ती हैं. उस तरह से कॉर्नियल सर्जन थोड़े लकी होते हैं बिकॉज यहाँ पर रिजेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होता है, किंतु फिर भी पाया गया है कि कुछ आईज में अगर एक बार डोनेशन एक बार आई रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा रिजेक्शन के चांसेस और बढ़ जाती हैं, क्योंकि बॉडी पहले पहचान लेती है कि ये कॉर्निया दूसरी का है. तो कोई भी फॉरेन चीज़ कोई आँख में आती है तो बॉडी के अंदर आती है तो बॉडी उसको उसको लड़ती है, उसको निकालना चाहती है. कि कोई भी चीज़ एलओसी क्रॉस करके अंदर आएगी तो हम चाहेंगे वो ना आए, बाहर ही रहे उससे. सो उसी तरह कॉर्निया में भी अगर बाहर की कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आती है तो उन केसेस में हमें स्टीरॉयड या इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयाँ ज़्यादा देनी पड़ सकती हैं, जो कि कई बार गरीब लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन हो जाती हैं. किंतु ट्रांसप्लांट करने से पहले हमें फिर से अफ्रेश देखना पड़ता है इस पेशेंट को कि इसकी दूसरी आंख की विजन कितनी है, इनका रेटना कितना है. सो हर बार जो कैंडिडेट आएगा उसको इवैल्यूएट करके ही उसका दोबारा से डोनेशन करना. जी डॉक्टर रितु, एक बार फिर से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति प्लेज करता है या कोई व्यक्ति अपनी आंख डोनेट करना चाहता है तो क्या प्रोसीजर है उसका, कैसे मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे कराए, वो क्या क्या तरीका है उसका कि कोई व्यक्ति चाहे तो उसको आगे. देखिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी मेरे मेरे मृत्यु के बाद ही ये आंख दी सकती है तो आप किसी भी आई बैंक के पास जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में जैसे 4 मेजर प्रमुख आई बैंक हैं, उनके पास जाके आप एक अपना एक फॉर्म भर सकते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, या आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. पर जहां तक मेरी मेरी सोचना है, ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की बात है. आपकी मृत्यु के बाद अगर आपकी आंख ली जाए या ना ली जाए तो वन कैन नेवर बी श्योर ऑफ, पर एक्चुअल हमें चाहिए होता है कि मृत्यु के बाद आपके जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनको ये जरूर अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें जाए इन्होंने प्लेज करा या नहीं करा. पर अगर मैं इससे इस चीज से मैं साथ के साथ जुड़ी हुई हूँ तो कोई भी डेथ होती है तो हमें उसकी आंख डोनेट करानी है. जी तो इसमें रजिस्ट्रेशन या प्लेज करना जरूरी नहीं होता. तो आपको ये चाहिए कि आप नियरेस्ट आई बैंक या फिर जैसे मेट्रोज में हमने सेंट्रल नंबर 1919 लिया हुआ है, या फिर जो दूसरा आजकल हमने नया कॉन्सेप्ट हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल का चला लिया है, जबकि काउंसलर्स हमारे हॉस्पिटल में घूम रहे होते हैं, उनको जब जैसे ही इतला होती है कि कोई डेथ हो गई है तो वो जाके फैमिली को थोड़ा सा वो मोटिवेट करते हैं. पर ये बात मैं जरूर मानती हूँ कि उस टाइम दुख का माहौल होता है, इमोशंस बहुत हाई होते हैं, तो पहले आधा घंटा एक घंटा किसी से बात करने में कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है. पर हाँ अगर थोड़ी जागरूकता रहे तो
हमें सक्सेस मिल जाता है और वो मिल रहा है जी। यानी जरूरी ये है कि जो नेक्स्ट ऑफ किन है, जो निकटतम रिश्तेदार है, आप उनको समझाकर जरूर जाएं कि मेरे ना रहने के बाद मेरी आंखें डोनेट करना सुनिश्चित करें। जी बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, ये जो बात है कि परिवार के जो सदस्य हैं उनका मोटिवेशन और उनको कन्विंस करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु घर पर होती है, तो आई बैंक की टीम को अगर कॉन्टैक्ट किया गया, कितना समय होगा पहली बात कि कॉर्निया लेने के लिए, और दूसरा जब तक वो टीम घर पहुंचती है किस तरह की सावधानी या तैयारी रखनी चाहिए जिससे कॉर्निया खराब ना हो। जी, जैसे अभी बताया गया कि दो तरह से डोनेशंस अभी होते हैं, एक है हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम और दूसरा वॉलंटरी आई डोनेशन, दैट इज जो फैमिली मेंबर्स एंड नेक्स्ट ऑफ किन हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं आई बैंक को, एंड आई बैंक को कॉन्टैक्ट करके आई बैंक की टीम घर में या जो भी जगह पर जहाँ पे भी मृत व्यक्ति है वहाँ पर जाके उनसे नेक्स्ट ऑफ किन से जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो कंसेंट है, वो सब लेकर देन वहाँ पर आई डोनेशन करते हैं। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो नेक्स्ट ऑफ किन का सेंसिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि वो इमीडिएटली जितने जल्दी हो सके कॉन्टैक्ट करें आई बैंक से, आई बैंक की टीम से, ताकि क्योंकि जो कॉर्नियाज है वो बेस्ट जितने जल्दी हम आई डोनेशन करा सकें उतना अच्छा है। आइडियली 6 घंटे के अंदर ही हमारे देश में जो कॉर्नियाज की कंडीशन है वो बेस्ट रहती है। दूसरा जो नेक्स्ट ऑफ किन है वो कुछ ऐसे सराउंडिंग्स जहाँ पे जो मृत व्यक्ति का शरीर रखा है वहाँ आसपास कुछ उनकी आँखों को सबसे पहले बंद कर दें, अगर हो सके तो टेप से बंद कर दें, अगर पंखा ऑन है या कुछ ऐसी चीज़ ऑन है जिससे आईज ड्राई हो सकती हैं उसको बंद करें और इमीडिएटली आई बैंक से कॉन्टैक्ट करें। आई बैंक की टीम नॉर्मली जितने भी आई बैंक हमारे हैं 24 घंटे वो उसमें तैनात रहती हैं और इमीडिएटली अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो जाकर 10 से 15 मिनट का इसमें समय लगता है आई डोनेशन करने में और वो रिट्रीव करके कॉर्निया को अच्छी कंडीशन में लाके आई बैंक में लाकर एंड उसको यूज के लिए फिर उसको दिया जा सकता है। और अगर गर्मी ज्यादा है तो एसी चलाया जा सकता है, प्रेफरेबली अगर एयर कंडीशनर हो तो डेड बॉडी को एसी वाले कमरे में रखना चाहिए। जी, और फिलहाल हमारे साथ कोलकाता से एक कॉलर जुड़े हैं, सौरभ जी हैं जिन्होंने फोन किया है। सौरभ जी आपका स्वागत, सवाल पूछे। मेरा प्रश्न है जी, यदि कोई व्यक्ति कम्प्लीटली ब्लाइंड है तो क्या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के पश्चात वह देख सकने में सक्षम हो सकता है और क्या कम्प्लीटली ब्लाइंड व्यक्ति भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकता है? थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जी सौरभ जी के दो सवाल हैं, डॉक्टर खोखर क्या बताना चाहेंगे आप? पहला, अगर ब्लाइंडनेस कॉर्निया से है तो कॉर्निया चेंज करने से विजन आ जाएगी। मैंने शुरू में ही कहा था ये मिथ है कि पूरी आंख बदली जा सकती है। अगर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है व्यक्ति को, मरीज को, और ऑप्टिक नर्व पीछे सब फंक्शन नॉर्मल है तो हम कर सकते हैं इसको। दूसरा, ब्लाइंड पर्सन का कॉर्निया हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज ब्लाइंड पर्सन का अगर कॉर्निया हेल्दी है और उसकी ऑप्टिक नर्व या पीछे आई की प्रॉब्लम के कारण रोशनी खराब है तो उनका हम 100% यूज कर सकते हैं आई को। जी जी, एक डॉक्टर रितु इससे जुड़ा हुआ सवाल कि ट्रांसप्लांट में भी क्या कुछ इस तरह की सावधानियां हैं जो बरती जानी चाहिए, और क्या जो नेत्रदान कर रहा है उसकी तरफ से भी ये चीज पहले से ध्यान में रखने की जरूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेत्रदान तो मृतक से ही होता है जी, तो उसमें यूजुअली हम सिर्फ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालते हैं और उसके बाद उसमें हम नेत्र निकाल लेते हैं या कॉर्निया जिसको कहते हैं इनसिटु कॉर्निया एक्सीजन है वो भी हम कर लेते हैं, और जो रिसिपिएंट होता है वो हमारे पास ऑलरेडी हॉस्पिटल में होता है या उनको कॉन्टैक्ट करके बुलाते हैं, थोड़ा सा एंटीबायोटिक देते हैं और इससे ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं करते। डॉक्टर ऋतु, ये जो आई बैंक को लेकर बात है, बहुत से लोगों का ये मानना होता है या सोचते हैं कि क्या आई बैंक की जो उपलब्धता है जितनी अभी फिलहाल देश में है इज दैट इनफ, या फिर कुछ और आई बैंक्स आने चाहिए, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, और जो आपस में कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन होता है कि मान लीजिए एक कॉर्निया आया और वो जिस जगह चाहिए वहां तक पहुंच जाए, या सेंट्रली इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सभी आई बैंक्स को के पास ये सूचना पहुंच जाए कि कॉर्निया अवेलेबल है, क्या इसमें बदलाव? देखिए, इसमें ऐसा है कि ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि अभी हमारे पास पूरे भारतवर्ष में अब लगभग 200 के करीब आई बैंक हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे आई बैंक पूरी तरह से काम अच्छा कर रहे हैं। कुछ आई बैंक 1,000 से ज़्यादा 2,000 से ज़्यादा कॉर्निया लेते हैं, पर बाकी कुछ आई बैंक 50-60 ही ले पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना कि ज़्यादातर अगर हम आई बैंक बनाते जाएँ तो उससे ही इस प्रॉब्लम को दूर करें वो शायद नहीं है। बेटर ये रहेगा, जो कि हम उस तरफ जा भी रहे हैं थोड़ा बहुत, कि आप एक जगह पे कोई बड़ा सेंट्रलाइज्ड आई बैंकिंग सिस्टम हो, उनके पेरिफेरल कलेक्शन सेंटर्स हो,
ताकि मल्टीपल जगह पे पेरिफेरल कलेक्शन सेंटर, जो कि बाहर भारत से बाहर सभी जगह ऐसी ही चीज होती है, तो वो पेरिफेरल कलेक्शन सेंटर्स होते हैं और वो जहां जहां कहीं डेथ होती है वो लोकल उनको तब डिस्टेंस भी कम होता है वो जाके कॉर्निया निकाल लेते हैं और फिर वो कॉर्निया सेंट्रल फैसिलिटी में चला जाता है, सेंट्रल फैसिलिटी में चला जाता है जहां कॉर्निया की पूरी इवैल्यूएशन होती है और ये पता चलता है कि ये कॉर्निया किस चीज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसके बाद वो रिलीज होता है इस्तेमाल करने के लिए। सो आई बैंक का नंबर बढ़ाने से हमें कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर बी के शर्मा, अगर फिर एक बार हम जागरूकता वाला जो पक्ष है उसकी बात करें, ये भी समझने की जरूरत है कि क्या जो नेत्रग्राही है यानी जिसको जिसको डोनेट की गई है आइज, जो जिसको लगने वाला है कॉर्निया, क्या उसको ये बताने की जरूरत है कि ये आइज किसकी हैं, ये कहाँ से लेकर के आया गया है, या फिर इस तरह की भी भ्रांतियाँ हैं कि जैसे आपने कहा अभी इससे पहले कि चेहरा विद्रूप नहीं होता, विकृत नहीं होता, इन चीज़ों को लोगों को समझना चाहिए, तो क्या अंतिम क्रिया में देर लगती है, इसमें कितना टाइम लगता है निकालने में, ये सारी चीज़ें एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो आई डोनेशन फोर्टनाइट या जो नेत्रदान पखवाड़ा है इसका पर्पस ही यही है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना जी और मोटिवेशन करना। अवेयरनेस इस चीज के लिए कि कोई ऐसे सोशल सामाजिक या धार्मिक भ्रांतियां जी जो हैं उनको दूर करना। सामाजिक भ्रांतियां जैसे अगर डिसफिगरमेंट हो जाएगा तो उनके रिलेटिव्स क्या कहेंगे, कैसे वो उनका अंतिम संस्कार क्रियाकर्म करेंगे, या कुछ रिलीजियस ऐसी भ्रांतियां हैं कि जैसे अगर इस जन्म में आई डोनेशन कर दिया तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे, इन सब को दूर करना बहुत जरूरी है जी। सो ये अगर हम जो ये जो लक्ष्य है अगर ये पर्पस हम दूर कर सकें सो कोई ऐसा कारण बाकी नहीं है कि आई डोनेशन हम इंक्रीज ना कर सकें और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है कॉर्नियास की वो पूरी ना हो सके जी। तो ये अवेयरनेस और मोटिवेशन, आई थिंक ये सबसे बार बार ये बात सामने आ रही है कि मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है और अवेयर होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस के लिए ही डॉक्टर सुदर्शन, जब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है या मान लीजिए पहले कॉर्निया आ गया हॉस्पिटल के पास, कैसे आप लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि एक सेफ कॉर्नियल टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन हो सके, किस तरह से सुनिश्चित किया जाता है? और दूसरी बात, ट्रांसप्लांट होने के बाद कितने चांसेस होते हैं कि शायद जो बॉडी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिजेक्शन के चांसेस होंगे, उसे कम करने के लिए क्या हो सकता है? आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा क्वेश्चन है। ओके, जैसे आई बैंक में कॉर्निया आता है पहले हम उस पर कल्चर सेंसिटिविटी उसके हम देखते हैं, उसको इन्फेक्शन तो नहीं है, हो सकता है आँख खुली रह गई हो मृत व्यक्ति की, पंखा चल रहा हो, आई ड्राई हो गई है, सो इन्फेक्शन उसका कल्चर भेजा जाता है। फिर हम कॉर्निया को क्लियर करके उसको हम मीडिया में स्टोर करते हैं। पहले हमारे यहाँ एमके मीडिया यूज़ करते थे जिसमें हम 48 आवर्स तक कॉर्निया यूज़ कर सकते थे। कॉर्निया रात को आ गया मतलब नहीं है कि हम रात को ही ऑपरेशन करें, हो सकता है रात के टाइम पे आपके पास माइक्रोस्कोप या स्टाफ अवेलेबल ना हो। सो ये जो स्टोरेज मीडियाज आ गए हैं वो बहुत अच्छे आ गए हैं हमारे पास। अब नया मीडिया आ गया है कॉर्निया सॉल्व करके, जो कि वेस्टर्न लिटरेचर के हिसाब से 14 दिन तक हम आइस को रख सकते हैं एंड वी कैन प्लान आवर सर्जरी अकॉर्डिंगली। पेशेंट को बुलाया जा सकता है, कोई इट्स पैनिक वाला बात नहीं होता है कि कॉर्निया ख़राब हो जाएगा। सेकेंड, ऑल दो वेस्टर्न वाले 14 दिन तक कहते हैं पर हमारे हिसाब से 7 दिन के अंदर उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बिकॉज हमारे एक तो डिमांड कम है और सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। दूसरा, सर्जरी के बाद जब किया जाता है चांसेस रिजेक्शन के उन पेशेंट्स में होती है जिनमें पुतली का साइज बड़ा लगाया हो, अगर हमने छोटा पुतली लगाया और या फिर जो प्राइमरी डिजीज है आँख की, जैसे ऋतु बता रही थी आपको, जो कंजेनिटल प्रॉब्लम आती है उनमें वेसल्स नहीं होती हैं कॉर्निया के अंदर, अगर मान लीजिए कॉर्निया में अल्सर हुआ है, अल्सर तभी ही होगा जब ब्लड वेसल्स पेरिफ्री से आके ब्लड सप्लाई करेंगी और कॉर्निया उसका जख्म ठीक होगा। जैसे स्किन पे चोट लगती है ब्लड आता है और वो स्किन पे स्कार आ जाता है, उसी तरह कॉर्निया पे भी अल्सर होने के बाद एक स्कार आ जाता है जिसको बदला जा सकता है ट्रांसप्लांट करके। किंतु इन केसेस में क्योंकि ब्लड वेसल्स ऑलरेडी ज़्यादा बन चुकी हैं वहाँ पर, चांसेस रिजेक्शन की ज़्यादा होती है इन केसेस में। और जैसे अगर हर वायरल केराटाइटिस जैसी चीज़ अगर होती है वो हो रखी है अगर आँख में, तो हमें उनको एंटीवायरल का कोर्स साथ में शुरू करना पड़ता है या पहले देना पड़ता है, और ये पेशेंट थोड़े ज़्यादा प्रोन होते हैं रिजेक्शन के लिए। किंतु केराटोकोनस या कंजनिटल डिजीज वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें रिजेक्शन की चांसेस थोड़ी कम होती हैं जी। तीसरा, जैसे एंडोथेलियल ट्रांसप्लांट अगर हम करते हैं पीछे के हिस्से का, हम जब भी परत एक या दो परत यूज़ करते हैं पूरा कॉर्निया नहीं बदलते हैं, सो जो एंटीजन का लोड आता है वो लोड कम आता है। अगर हम पूरी कॉर्निया बदलते हैं तो मान लीजिए वो वैल्यू 10 आती है तो इसमें वो 2 या 3 रह जाती है, क्योंकि हम कुछ टिश्यू ही बाहर से ला रहे हैं। उसके कारण रिजेक्शन कम होती है और उनका टेक या उनका ज़्यादातर आई का क्लियर रहना ज़्यादा संभव रहता है सारा समय तक।
और मेडिकेशन हमें देनी पड़ती है बॉडी की इम्यूनिटी को लो करने के लिए, स्टीरॉयड ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं हमें जिनसे कि हम आँख को इम्यूनोमॉड्यूलेट करते हैं, और रिफ्रेश टीयर्स, और इनमें टांके लगते हैं, और टांके जब निकाले जाते हैं उसके बाद भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। कई बार हम टांके निकालते हैं उस वक्त ब्लड वेसल्स आ जाती हैं और बाद में रिजेक्शन बढ़ सकती है। सो इसमें हर पेशेंट को हर टाइम पे फॉलोअप करते रहना रेगुलरली, और हर बार जब वो आते हैं हम उनके एंडोथेलियल का सेल का काउंट करके देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर ऋतु ने पहले बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर, इसको एंडोथेलियम कहते हैं, उसके लेंथ, उसके सेल्स फिक्स्ड होते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं। नॉर्मल पॉपुलेशन अगर 20 से 40 में लेते हैं तो करीब वो 3000 करीब सेल उसमें पाए जाते हैं पर स्क्वायर मिलीमीटर, जो कि बड़ी एज में सेल्स कम होते चले जाते हैं। तो वो सेल जब कम हो जाते हैं तो वो रिजेक्शन हो सकता है, जैसे कि हमारे मित्र ने पूछा था, हो सकता है उनकी आंख में पहले एंडोथेलियम अच्छे सेल्स हैं वो कम हो गए हैं। सो हर पेशेंट डिपेंड करता है क्या इंडिकेशन है, उसके हिसाब से उनका प्रोग्नोसिस एक्सपेक्ट की जा सकती है। जी, एक चीज इसी से जुड़ा हुआ पूछना चाहेंगे कि जो लोग नेत्रग्राही हैं यानी जिनको चाहिए डोनेशन, जी क्या क्या तरीका होते हैं, क्योंकि आपने कहा कि नंबर्स कम होते हैं और लेने वाले ज्यादा हैं, तो क्या कोई क्यू बनी है उसके लिए, क्या कैसा सिस्टम? सो हमारे पास वेट लिस्ट है जी। जो पेशेंट आते हैं वो कॉर्निया क्लिनिक में देखे जाते हैं। पहले तो हम ये कोशिश करते हैं जिनकी दोनों आंखों में कॉर्नियल प्रॉब्लम है उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो दोनों आंखों से अंधे हैं। जिनकी एक आंख बिल्कुल नॉर्मल है दूसरी आंख में प्रॉब्लम है वो हमारे लो प्रायोरिटी होते हैं, किंतु क्योंकि वो एक आंख से अभी देख सकते हैं संसार को, पहली चीज़ ये। दूसरा, छोटे बच्चे हैं जिनमें दोनों आंखें इन्वॉल्व हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटी है, बिकॉज उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है। और इनको एक वेट लिस्ट बना दी जाती है, उनके एड्रेस नोट किए जाते हैं, और जैसे ही उनका नंबर वेट लिस्ट में आता है उनको हम इत्तला करते हैं, और हम 4 या 5 मरीज या कभी कभी 7 मरीज भी हम हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट टू यूनिट। कुछ यूनिट में ज़्यादा एडमिट कर लेते हैं, या क्योंकि अब हमारे पास मीडियाज अच्छे आ गए हैं तो हम पेशेंट को बुला भी सकते हैं, और ये फ़ोन कॉल पे अवेलेबल होते हैं पेशेंट हमें, तो उनको बुला के भर्ती कर सकते हैं, और उनकी सारी जांच की जाती है प्री ऑपरेटिव बिफोर वी डिसाइड के सर्जरी उनकी होने से फ़ायदा होगा या नहीं। जी, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सनी पंजाब से, आप सवाल पूछना चाहते हैं। जी सनी, पूछिए अपना सवाल। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कुछ प्रोसीजर होते हैं जिससे चश्मा उतर जाता है, जी, तो उन्होंने जिन्होंने ये प्रोसीजर करवाया हुआ है क्या वो अपना कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं, और क्या कंडीशंस हैं जो कॉर्निया डोनेट नहीं कर सकते, जैसे चश्मा लगाते हैं तो उसके बाद भी दूसरे बंदे को जिनको आईज जाएंगी या कॉर्निया ट्रांसप्लांट होगा उनको भी चश्मा लगाना पड़ेगा या कुछ ऐसा, ये मेरा प्रश्न। जी, डॉक्टर शर्मा आप लेना चाहेंगे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है जी। अगर किसी ने चश्मा उतारने का ऑपरेशन किया है तो उसमें जो कॉर्निया में चेंजेस है वो सिर्फ उसके आगे वाले भाग में ही चेंजेस आता है। सो जैसे हमने अभी बताया कि कॉर्निया का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो पीछे वाला है, जो पोस्टीरियर लेयर है वो इंटैक्ट होता है। सो ऐसे में भी कॉर्निया डोनेशन किया जा सकता है, और ये कॉर्नियाज को यूज़ किया जा सकता है लैमलर ट्रांसप्लांटेशन से, डीसेक या डीमेक जो नई टेक्निक्स हैं उनके थ्रू। सो ऐसे भी आई डोनेशन किया जा सकता है। और कोई आंख की ऐसी बीमारी जिसमें इन्फेक्शन कॉर्निया में है, इन्फेक्शन है या कुछ और, कुछ जैसे कैंसर है आंखों के, उनमें आई डोनेशन जो होता है उसका ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, लेकिन अगर चश्मा निकालने का सर्जरी किया है तो उसका किया जा सकता है। जी, और काफी सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर ऋतु, हमारे एक व्यूअर हैं विवेक जी, वो ये जानना चाह रहे हैं, दो सवाल उन्होंने पूछे हैं। पहला कि क्या किसी एनिमल का कॉर्निया ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, अभी तक कोई ऐसी सुविधा या रिसर्च चल रही है इस पर? और उनका दूसरा सवाल है कि क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि किसी बच्चे का कॉर्निया है तो वो बच्चे को ही लगाया जाएगा? या ये चीज़ जो आप बता रहे हैं कि एनिमल का कॉर्निया ह्यूमन में, इनको जीनोग्राफ्ट कहते हैं। और जब ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की जब सुविधा शुरू हुई थी तो शुरुआत में ये काम करा गया था एक्चुअली, पर खैर उनका सक्सेस नहीं हुआ है और वो चीज अभी हम नहीं करते हैं। और दूसरी बात आपकी कि बच्चे की आंख, जब यंग डोनर्स होते हैं क्योंकि वो उनकी जो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसमें एंडोथेलियल लेयर जो हम बात कर रहे हैं वो काउंट बहुत अच्छा होता है, तो हम उसको प्रेफर करते हैं कि यंग रिसिपिएंट में ही लगाया जाए। जी बिल्कुल, ढेर सारे सवाल इस बात के भी हैं जो आई केयर से जुड़े हुए हैं कि डोनेट करने लायक पहले हमारी आंखें रहें, ये बेहद ज़रूरी है। तो दृष्टिहीनता से बचा कैसे जाए, इसको प्रिवेंशन को लेकर के बहुत सारे हमारे सवाल भी हैं, और अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सावधानियां हैं जो हमको डे टू डे लाइफ में बरतनी चाहिए। डॉक्टर सुदर्शन जी, जैसे ऋतु ने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रॉमा इज़ अ टोटली अवॉइडेबल डिजीज़। बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, बच्चे पटाखे चला रहे हैं, और पटाखे भी कैसे, पटाखे चला के फेंक दिया,
उनको तो चोट नहीं लगेगी क्योंकि वो देख रहे हैं पटाखे की तरफ, जो बाईस्टैंडर जा रहे हैं या साइकिल से कोई जा रहे हैं तो उनको आँख पे चोट लगी और हो सकता है। चूना पैकेट इंजरीज, केमिकल इंजरीज, एसिड बर्न्स, ये सब चीज़ें हैं जो कि अवॉइड हो सकती हैं टोटल। और जैसे अगर चोट जैसी लगती है या फिर तीर कमान, तीर कमान के लिए मेले पे गए तो पेरेंट्स ने ले दिया तीर कमान आपको विद अ आगे टिप ब्लंट होती है जिसकी, पर कुछ समय बाद वो एरो टूट गया तो बच्चा दोबारा मांगेगा, पेरेंट्स नहीं देंगे, सो वो जाके पेंसिल छील के उसको शार्प करके या बैम्बू या झाड़ू की तीली से फिर आँख के अंदर सीधा इंजरी होती है। सो अगर ट्रोमेटिक जो केसेस आते हैं, अगर वो पहले जो उनका फर्स्ट सर्जरी होती है जिसमें हम उनको कॉर्निया को स्टिच करते हैं, अगर वो ठीक से किया जाए तो 90% जो पेशेंट है ट्रॉमा वाले, जो परफोरेटिंग इंजरी बिकॉज ऑफ बो एंड एरो है, वो अवॉइड हो सकता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट का यूज उनमें जरूरत नहीं पड़ सकती। किंतु अगर केमिकल इंजरी हो गई है तो उसमें इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कई बार आँख में कि जो पेरिफेरी के वेसल सेल्स होते हैं वो भी डेड हो जाते हैं। तो उसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता कुछ केसेस में। कुछ केसेस में ड्रग एलर्जीज होती हैं, अगर आपको पता है आपको सल्फा एलर्जीज हैं या पहले पता चल जाए तो उसको अवॉइड करिए क्योंकि उसके कारण भी कॉर्निया में सीवर ड्राई होकर कॉर्निया खराब हो सकते हैं। वो कॉर्नियल डिजीज ऐसी होती है जिनको हम ट्रांसप्लांट के बाद भी उनका इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं जी। सो ट्रॉमा स्पेशली द क्रैकर्स, बो एंड एरोज, होली दिवाली कलर्स, नाउ होली दिवाली कलर्स हैव स्टार्टेड स्पॉइलिंग द कॉर्निया, तो उसमें कुछ सिलिका की मात्रा बढ़ गई है ताकि स्किन पे ऊपर ज़्यादा रहे या शाइन करे, वो कॉर्निया को जाके डैमेज कर सकते हैं। सो रिसेंटली आरपी सेंटर में हमने कैजुअल्टी में पाया कि ये जो कलर डालते हैं वो आंख के अंदर के हिस्से में भी पहुंच जाता है, जाके एंडोथेलियम को स्पॉइल करता है। सो अगर एंडोथेलियल की लेयर एक बार जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है खराब हो गई है तो अगली लेयर का होना ना होना बेकार है, तो हमें वो चेंज करना पड़ता है। उसके लिए हमें फिर एक लिविंग लाइफ सेल अच्छे कॉर्निया के जरूरत पड़ जाती है। सो अ प्रिवेंशन स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सो पहला स्टिच अगर ठीक से लगे आँख में चोट वाले में तो आगे आपको वो उसका फायदा रहेगा। जी जी डॉक्टर शर्मा, जिस व्यक्ति का ट्रांसप्लांट हुआ है किस तरह की सावधानी उसको रखनी चाहिए आई केयर की अगर बात करें, और दूसरी बात कौन से वो लक्षण होंगे अगर व्यक्ति में आ रहे हैं तो ये जान जाए कि समस्या है या रिजेक्शन हो रहा है और तुरंत अस्पताल जाना है। जी, जिसका ट्रांसप्लांट होता है उसे नॉर्मली हम जब हॉस्पिटल से भेजते हैं उनके लिए कुछ दवाइयाँ शुरू करते हैं। एक तो वो सारी दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से जितनी बार डालना है उतनी बार डालना है, उन दवाइयों को कहाँ पे स्टोर करना है, उनकी टिप को आंख से टच करके दवाई नहीं डालना है, ये सावधानियाँ ज़रूरी हैं। दूसरा, हम उसको कुछ लक्षण बताते हैं कि जो रिजेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। इनकेस अगर आंख लाल होती है, आंखों से पानी आता है, दर्द शुरू होता है, सो इमीडिएटली ऐसी कंडीशन में उनको जो नियरेस्ट उनके आई डॉक्टर हैं, आई ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करें और जाके अपना रिव्यू कराएं कि कहीं ये रिजेक्शन के लक्षण तो नहीं है। अगर वो टाइम से जाते हैं तो अगर ये रिजेक्शन एपिसोड शुरू हो रहा है उसको उसी स्टेज पर दवाइयों के सहारे कर्टेल किया जा सकता है और उस कॉर्निया का रिजेक्शन को बचाया जा सकता है। जी, तो बिल्कुल आपके लिए भी ये संदेश यहाँ से बहुत मायने रखता है कि आई डोनेशन के लिए आप बिल्कुल ना कतराएं, किसी भी तरह से इसमें जो भ्रांतियाँ हैं उनसे दूर रहें, आगे आएं और आई डोनेट करें। आप सिर्फ जो इस खूबसूरत दुनिया को देख रहे हैं, आपके ना रहने के बाद भी तमाम सारे लोग इसको उसके ज़रिए देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, टोटल हेल्थ में बहुत कुछ है अभी आपके लिए। जल है तो कल है, स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प, संरक्षित हो जल, हर घर पहुंचे नल। जल संकट को हमने गंभीरता से लेना हो, पानी बचाना, हर घर को जल, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। जल शक्ति समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कॉर्नियल दृष्टिहीनता और नेत्रदान के महत्व के बारे में। फिलहाल टोटल हेल्थ में समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 779 में हमने आपसे सवाल किया था कि किशोर अवस्था में बेहतर स्वास्थ्य के लिए इनमें से क्या करना उपयोगी नहीं है। आपके पास तीन ऑप्शन थे, सही जवाब ऑप्शन सी, अधिक समय तक वीडियो गेम्स और मोबाइल पर लगे रहना या इंटरनेट सर्फिंग करना उपयोगी नहीं है किशोर अवस्था यानी किशोर और किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता ये भी आपको बताएंगे, इससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि इनमें से कौन नेत्रदान कर सकता है।
ऑप्शन ए जिसकी नज़र कमजोर हो या नज़र का चश्मा लगा हो। ऑप्शन बी मधुमेह या उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्ति। ऑप्शन सी हृदय रोगी या फिर ऑप्शन डी ये सभी। आप अपने जवाब हमें दो हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ डीडी न्यूज रूम नंबर 505 टावर बी दूरदर्शन भवन मंडी हाउस कॉपरनिकस मार्ग न्यू दिल्ली 110001 या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। आप भी इस सवाल का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 779 के लकी विनर ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर सुदर्शन खोखर से, जिनके सामने मौजूद है सारी करेक्ट एंट्रीज। डॉक्टर सुदर्शन, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं। सूर्य प्रकाश, झारखंड। झारखंड से सूर्य प्रकाश जी, बहुत बधाई, आप बन गए एपिसोड 779 के लकी विनर। और अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर शर्मा आपसे, दृष्टिहीनता का कारण क्या सभी लोगों में एक ही होता है? नहीं, दृष्टिहीनता के कारण अलग अलग होते हैं, चाहे वो ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो सकता है, ग्लोकोमा हो सकता है, रेटिनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, और हर चीज का हर इसका अलग अलग इसका प्रिवेंटिव और अदर एस्पेक्ट्स हैं। सो अलग अलग कारण जी। डॉक्टर ऋतु, इनमें से क्या दृष्टिहीनता का कारण बन सकता है, आंख की चोट या विटामिन ए की कमी? ये दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, आंख की चोट भी है और विटामिन ए डेफिशिएंसी भी है, जो कि दोनों हमें आंख के दृष्टिहीनता दे सकते हैं, कॉर्निया के प्रॉब्लम दे सकते हैं। जी डॉक्टर सुदर्शन, क्या किसी जन्मजात विकृति या बीमारी की वजह से भी दृष्टिहीनता हो सकती है? जी, कंजनरल प्रॉब्लम्स एक मेजर चंक बन गई हैं अभी, स्पेशली जब पॉपुलेशन अपनी एक्सपैंड हो रही है, बच्चे ज़्यादा हैं और पॉपुलेशन जब भी बढ़ेगी तो कंजनरल प्रॉब्लम्स हैं, वो उसके कारण भी हो सकती हैं। जी जी। डॉक्टर शर्मा, क्या हर दृष्टिहीनता को ठीक किया जा सकता है? दृष्टिहीनता भी दो तरह की होती है, एक प्रिवेंटेबल, एक जो ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर किसी का जैसे ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो गया है तो उसको रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से उसको ठीक किया जा सकता है। जी डॉक्टर ऋतु, क्या कॉर्निया के धुंधलापन या ओपेसिटी का मतलब है कि व्यक्ति को दृष्टिहीनता हो गई? अगर कॉर्निया की धुंधलापन जो बहुत ज्यादा है, क्लाउडीनेस बहुत ज्यादा है, तो तब उसमें दृष्टिहीनता होती है। पर अगर मामूली है, हल्का सा निशान है, और अगर वो सेंटर के एरिया में विजुअल एक्सेस में नहीं है, तो तब दृष्टिहीनता नहीं होती है। तो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। राइट। जी डॉक्टर सुदर्शन, क्या दृष्टिहीनता पूर्ण रूप से ही हो सकती है, यानी कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकता है? जी हाँ, ग्लूकोमा फॉर एग्जाम्पल, अगर काला मोतिया ठीक से समय नहीं पकड़ा जाए तो पूर्ण ब्लाइंडनेस कर सकता है। कैटरैक्ट ऑल्सो, अगर हम सही टाइम पे ऑपरेट ना करें, जो कि 100% करेक्ट हो सकता है, जैसे फल रखा हुआ है वो पक के सड़ जाता है, उस तरह कैटरैक्ट ऑपरेशन ना करें तो भी आंख में ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। और पूर्ण ब्लाइंडनेस, इन सब में ब्लाइंडनेस आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण हो सकती है, और ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम भी पूर्ण ब्लाइंडनेस दे सकती है। जी डॉक्टर शर्मा, क्या कॉर्निया में विकृति या समस्या के हर मामले में सिर्फ कॉर्निया का प्रत्यारोपण करना ही एकमात्र इलाज है? जी नहीं, कॉर्निया का प्रत्यारोपण करना नॉर्मली सर्जिकल ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन होता है। जैसे अगर किसी का कॉर्नियल अल्सर है और अगर ये सिर्फ सुपरफिशियल लेयर्स में है, तो इनमें हम दवाई देते हैं, दवाई से काफ़ी हद तक जो अल्सर है वो ख़त्म होने के बाद ओपेसिटी रहता है। अगर ओपेसिटी बीच में नहीं है तो उसमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर कॉर्निया की जो ओपेसिटी है वो विजन को कम करती है, तभी उसमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से फ़ायदा होता है। जी डॉक्टर ऋतु, क्या केवल जो युवा हैं वो नेत्रदान कर सकते हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो वृद्ध हैं, वो नहीं कर सकते? नहीं, ये हम हर व्यक्ति को एनकरेज करते हैं कि कोई एज इज नो बार, पर हाँ अपर लिमिट हम यूजुअली 80 तक की लेते हैं, क्योंकि 80 के बाद थोड़ा सा उनका इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है, पर डोनेट कोई भी व्यक्ति कर सकता है। डॉक्टर सुदर्शन, क्या ऐसा व्यक्ति जो नजर का चश्मा लगाता है, अगर वो अपने कॉर्नियाज या आई डोनेशन करता है, तो जिसे वो आंख लगेगी क्या उसे भी चश्मा लगाना होगा? आई थिंक एक हिंदी पिक्चर आई थी जिसमें वो डोनेटेड आई वाला ही सीन देखने शुरू करते थे। ये सब मिथ्या है, इसमें कोई सच नहीं है। और वो चश्मे का नंबर, जब हम टांके लगाते हैं तो वैसे भी कॉर्निया का जो शेप चेंज हो जाता है, तो अगर चश्मे की नंबर है उसके कॉर्निया में भी, तो उससे कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी। डॉक्टर शर्मा, जिनकी आंखों की सर्जरी हो चुकी है, मोतियाबिंद के लिए हो चुकी है, क्या वो लोग भी, ऐसे लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जिसका मोतियाबिंदों का सर्जरी हो चुका है, उनका कॉर्निया नॉर्मली पूर्णतः स्वस्थ होता है, वो आई डोनेशन कर सकते हैं। डॉक्टर ऋतु, क्या नेत्रदान के लिए पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल होती है?
नहीं, ऐसा कोई जटिल नहीं है, कोई पंजीकरण की या रजिस्ट्रेशन की कोई ऐसी जटिल नहीं है। आपको अगर किसी को रिसिपिएंट जिसको चाहिए, वो नेत्र चाहिए, वो कहीं पे भी चाहते हैं, कॉर्निया स्पेशलिस्ट उनको इवैल्यूएट करता है और फिर वो अपने आई बैंक पे उनको रजिस्टर कर देता है। डॉक्टर सुदर्शन, क्या दान के लिए नेत्रदान जो है वो जीवित व्यक्ति से भी लिया जा सकता है? मैंने आई थिंक शुरू में कहा था नहीं, जीवित से नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ और इमोशनली इतने बाउंड ऑन होते हैं कि हमारी आंख निकाल के बच्चों को दे दें, ऐसा कदे नहीं होता है और ऐसा होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, और ये सिर्फ मृत व्यक्ति से ली जाती है। डॉक्टर शर्मा, क्या जिस व्यक्ति को नेत्र मिलते हैं उसे नेत्र के बदले कोई धन राशि देनी होती है? जी नहीं, नेत्र ट्रांसप्लांट में कोई भी टाइप का फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट वो एक कानूनन अपराध है और उसके लिए सजा का प्रावधान है। जी, तो डॉक्टर रितु, इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि क्या दानकर्ता के परिवार को कोई लाभ दिया जाता है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दानकर्ता के परिवार को हम कोई ऐसा कोई लाभ नहीं देते हैं। ये जरूर होता है कि जब हमारा एनुअल आई डोनेशन डे हम मनाते हैं तो हम उन फैमिलीज को बुला के ऑनर जरूर करते हैं, पर इसके अलावा उनको कोई और दान, उनको कोई और फायदा नहीं जाती है, दान है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुदर्शन, प्रत्यारोपण की जो सर्जरी है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, उसका खर्च कितना आता है? देखिए, अगर हॉस्पिटल एस्टैब्लिश है, माइक्रोस्कोप्स हैं वहाँ पे, सूचर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा खर्चा तो सर्जरी में नहीं होता है उसमें। किंतु अगर उसके साथ और सर्जरीज इन्वॉल्व करते हैं, साथ में अगर मोतिया भी है, वो भी साथ में करना है, तो उसका मोतिया का खर्चा उसमें ऐड हो जाता है। किंतु अगर कॉर्निया अवेलेबल है तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, ये ज़्यादातर अस्पताल में मेरे ख्याल से मुफ्त ही किया जाता है। जी, और आखिरी राउंड सवालों का हम चाहेंगे आप अपना संदेश भी प्रश्न के साथ ही शामिल कर दें उत्तर में। डॉक्टर शर्मा, जो नेत्रदान करना चाहते हैं उनके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? जो नेत्रदान करना चाहते हैं वो सबसे पहले अपने आईज का प्लेज करें, जो आप आपके जो नियर एंड डियर वंस है, नेक्स्ट ऑफ किन है, उनको सेंसिटाइज करें और इसको अपनी एक हिसाब से अंतिम इच्छा करके उनको सेंसिटाइज करें और आई डोनेशन को एक फैमिली ट्रेडिशन बनाएं। इससे जो नेत्रदान पखवाड़ा है इसका मैसेज सब तक जाएगा, अवेयरनेस फैलेगी, मोटिवेशन होगा और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स और आई डोनेशंस बढ़ेगा। जी बिल्कुल, नेत्रदान को आई कल्चर बनाएं, एक फैमिली कल्चर बनाएं। डॉक्टर रितु अरोरा, दृष्टि को बचाने के लिए क्या सावधानियां रखें? देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि चोट से हमको जरूर बचना है, और दूसरी कुछ चीज़ें हैं, जो लोग फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वहाँ उन वर्कर्स को अपनी आंखों को अच्छे से बचा के रखना है, या फिर जो वेल्डिंग के आगे वेल्डर्स जैसे होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्टिव ग्लास होना चाहिए। पर जो हमारे देश में इससे भी ज्यादा चीज है, जब लोग फसल वगैरह काटते हैं, जब फसल काटते हैं तो उसमें आंख के कॉर्निया में चोट लगने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, जिससे कॉर्नियल अल्सर हो जाता है। तो ये जब चीजें करें तो उनको काफी सावधानी से करना चाहिए। जी, डॉक्टर सुदर्शन, आपका संदेश और नेत्रदान के महत्व को सभी के लिए समझना कितना जरूरी है? देखिए, अगर आपकी पॉपुलेशन में ब्लाइंड पर्सन है दोनों आंख से, तो जीडीपी को ऐड नहीं कर रहा है, वो बाथरूम जाना है, बाहर जाना है, गाड़ी में जाना है, एक उसको हेल्प चाहिए। सो दो व्यक्ति जो कुछ काम नहीं कर रहे देश के लिए, सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को समझें और अपनी आई डोनेट करें, और जितना ज़्यादा ये जागरूक होंगे लोग, मेरे हिसाब से एजुकेशन ऑफ द पीपल एंड नेक्स्ट टू द कीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे शुड फील प्राउड कि हमने अपनी आई डोनेट करके किसी एक ब्लाइंड व्यक्ति या उसकी फैमिली को हमने पूरा संभाला है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी विशेषज्ञों का। जब भी बात आती है हमारे प्रियजनों की, तो हमारी यही इच्छा होती है कि वो हमेशा हमारे साथ रहें, उनका वजूद यहाँ रहे, और इसके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है अगर हम सभी अपनी आंखों को दान करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, तो हमारे प्रियजनों के चले जाने के बाद भी उनका वजूद इस धरती पर रह सकता है। तो इस नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट में हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि परिवारजनों की और अपनी खुद की आंखें हम लोग प्रतिज्ञा लें उनको दान करने की, किसी दृष्टिहीन के जीवन को रोशन करें। आइए हम सब मिलकर नेत्रदान करें। बिल्कुल, ये हम सब मिलकर नेत्रदान करें, और जैसे कि यहाँ की चर्चा में निकल कर आया है कि इसको अपनी फैमिली का एक ट्रेडिशन बनाएं, एक जिस तरह से विल छोड़ने का परंपरा है, जिस तरह से वसीयत छोड़ने की परंपरा है, अपने नेक्स्ट ऑफ द किन को बताएं कि आप नेत्रदान करना चाहते हैं और उसके मरने आपके मरने के बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि नेत्रदान किया जाए। सो जस्ट डोंट लीव अ विल, लीव अ विजन, ये इस बात का ख्याल रखें, और उम्मीद है कि आज के हमारे कार्यक्रम से आपने ज़रूर प्रेरणा ली होगी। तो आइए हम सब लोग संकल्प करें कि हम सब भी नेत्रदान करेंगे और दूसरों के लिए जीवन को बेहतर बनाएंगे। फिलहाल हेल्थ में सिर्फ इतना ही। नमस्कार, नमस्कार।